हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है डे 14th एंड रियली सॉरी मैं वीडियोस थोड़े से गैप के बाद डाल रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल और रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई थी बीच में तो बट मैं डे 21 डेज़ का जो चैलेंज है उसको कंप्लीट करेंगे। तो सुबह मॉर्निंग में एक ग्लास गर्म पानी एंड बिफोर वर्कआउट मैंने यहाँ पर लिया है बनाना लिया है, एप्पल ले सकते हैं या फिर आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। तो 7 o'clock मुझे वो अपने जो वर्कआउट है उसके लिए जाना है तो उससे पहले मैं यहाँ पे जो बनाना है वो ले रही हूँ एंड हाफ एन आवर का गैप है ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आज मैं पनीर प्याज का स्टफ रोटी ले रही हूँ। तो यहाँ पे पनीर और प्याज को मैंने क्रश कर लिया है और उसके अंदर मैंने एक जो हरी मिर्ची है वो भी डाल ली है। इसके साथ में यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो गरम मसाला है वो डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और यहाँ पे जो नमक है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इससे हम बनाएंगे अपनी स्टफ रोटी। तो पनीर आज कोई ऑप्शन था नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ पे पनीर ले लिया है, अदरवाइज़ बॉयल्ड एग एक बेटर ऑप्शन होता है। तो ये एक स्टफ रोटी मेरी बन गई है तो मैं एक ही स्टफ रोटी लूँगी, आप दो भी ले सकते हैं क्योंकि जो डाइट प्लान मैं शेयर कर रही हूँ ना काफ़ी कैलोरी में काफ़ी कम है तो आप अपनी भूख के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्योंकि अगर कैलोरी भी ज़्यादा कम हो गई लोगे ना तो फिर आप लेजीनेस फील करते हो, तो आप अपनी भूख के एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही अपना जो है मील बोलें। तो मेरा एक में पेट फुल हो जाता है तो मैंने यहाँ पे एक स्टफ रोटी ली है एंड उसके 20 से 25 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे एक कप जो है चाय ली है एंड ये गुड़ वाली चाय है एंड इस चाय के 45 मिनट्स के बाद मैंने जो है ग्रीन टी ली है विद लेमन। तो एक कप ग्रीन टी में मैंने हाफ लेमन स्क्वीज कर लिया था एंड वो मैंने उसके अराउंड 45 मिनट्स के बाद ली थी। तो ग्रीन टी इंक्लूड करना है अपने ब्रेकफास्ट के बाद एंड लंच के बाद। तो यहाँ पे जो मेरे ब्रेकफास्ट के बाद है वो वाली ग्रीन टी ऐड हो गई है एंड ग्रीन टी में आप कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पे अजवाइन वाटर या फिर जो जीरा वाटर है उसको भी इस टाइम पे इंक्लूड कर सकते हैं या फिर आंवला जूस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी आप वैसे ही ले सकते हैं। एंड ब्रेकफास्ट के आफ्टर 2 hours मैंने एक ऑरेंज लिया था एंड क्योंकि अभी ऑरेंज सीजन में है तो मोस्टली मेरे उसमें आपको ऑरेंज ही देखने को मिलेगा। तो कोई भी आपकी चॉइस का फ्रूट आप ले सकते हैं। तो ये हमें लेना है ब्रेकफास्ट के 2 hours के बाद में। देन लंच थोड़ा सा मेरा हैवी हो गया था तो लंच में मैंने पूरी ली थी, तो इतनी सारी पूरी नहीं ली जो आपको दिखाई दे रही है, दो ही पूरी ली थी एंड मटर पनीर की बहुत ही यम्मी सी सब्जी है जो कि ऊपर रिनू ने बनाई थी। तो मकर संक्रांति वाला दिन था शायद ये, उस दिन उन्होंने बनाया था तो ये हमारे लिए दिया था लंच। तो मैंने दो पूरी एंड हाफ इसमें से जो है सब्जी वो ली थी। उसके 15 मिनट बाद मैंने यहाँ पे लस्सी ली थी तो एक ग्लास ये छाछ है सिंपल प्लेन, कुछ भी मीठा या नमकीन इसके अंदर ऐड नहीं किया, सिंपल दही को ब्लेंडर में डाला एंड पानी डाल के उसको मिक्स कर लिया है। तो ये बन गया छाछ, आप घर पे जैसे बनाते ना वैसे ही, तो नमक ना डालें और ना ही मीठा इसमें यूज़ करें, प्लेन जितना लेंगे उतना ही अच्छा है। तो ये एक ग्लास मेरी लस्सी हो गई है एंड उसके बाद मैंने आज इवनिंग में कोई भी ग्रीन टी वगैरह नहीं ली। एक बिस्किट लिया है, मन नहीं था मतलब कुछ थोड़ा ऐसा से हो रखा था मन तो मैंने एक बिस्किट ले लिया एंड ये पतंजलि के बिस्किट है, वैसे अवॉइड करें बिस्किट को, एंड एक कप आपकी चाय। तो 5:30 के अराउंड ये मैंने जो चाय है शाम की होती है वही लिया था, इसके साथ कोई स्नैक्स वगैरह नहीं लिया। फिर रात को 7:30 मैंने लिया था नीरा को मैं अकेडमी से लेके आई तो वहाँ पे एग रोल बन रहा था तो मेरा काफ़ी मन कर रहा था तो मैंने ले लिया। और हाँ, इसके अंदर सिर्फ वेजिटेबल्स है, कोई भी मेयो या केचप वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो चाय के साथ ये था मेरा डिनर, इसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि काफ़ी हैवी हो गया था ये। तो चलो डे 14 पे मैं अपना अपडेट देती हूँ। तो ये 52.8 kg है मेरा वेट, अराउंड 1 kg कम हुआ है इस वीक में, 53.8 ही था शायद पिछली बार भी तो वो दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने जो अपनी जिम वाली मशीन है वहाँ पे मैंने वेट किया था वहीं पे मैं करूँगी नेक्स्ट मतलब आगे से। तो मेरा जो वेट है वो 52 हो चुका है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। तो मैंने अराउंड अपना जो वेट लॉस जर्नी है वो 57 से की थी एंड 52 हो चुका है, और अगर मैं पिछले 9 दिन भी मिलाऊँ तो ये मुझे टोटल 25 days के अराउंड मेरा ये वेट लूज़ हुआ है। तो चलो वीडियो को लाइक कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय।